साल मेरे लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है और नए नए तिगड़म ला रहा है, नए पड़ाव ला रहा है मेरी ज़िंदगी के। सिर्फ ये OTT ही नहीं बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ और दूसरे प्रोफेशन में भी एक बड़े पड़ाव आ चुके हैं, तो ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपको कहूँ तो मेरा दिमाग काफ़ी ब्लैंक है, इतनी ओवर थिंकिंग मेरे माइंड में चल नहीं रही है, क्योंकि जहाँ ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग होती है ना, वहाँ पर बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर कुछ सही ट्रैक पे चलता नहीं है। तो मैंने अपना माइंड काफ़ी काम, कूल, कंपोज रखा। आई एम लिटरली वेल, मैंने एक चीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके रखा कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे ही हाथ में होनी चाहिए और मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ मेरे हाथ में, किसी और के हाथ में उसको देना नहीं है, किसी को एम्पावर करने देना नहीं है। तो अपने आप को प्रोडक्टिवली चैनलाइज रखूँगी, आपको मैं कोई ना कोई काम करते हुए दिख जाऊँगी या फिर किसी ना किसी तरह खुद को बिजी रखते हुए दिख जाऊँगी। और किसी के पास ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट या मेंटल स्ट्रेंथ लेने की आशाएं नहीं रखूंगी, क्योंकि वहाँ कोई आपका सगा है नहीं। तो ये सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करके ही जा रही हूँ। आशाएं, एक्सपेक्टेशन जीरो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज, आई एम अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन एंड आई थिंक आई प्रूव आउट टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल इन द ऑडियंस। तो वो एक काफ़ी नेक दिली भरा काम लगता है मुझे, बट स्ट्रेंथ भी निकल आती है, तो इट्स अ प्रीटी बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ। डू यू हैव दिस लीडरशिप क्वालिटी इन यू? आई हैव रिसर्च तो मैंने सब पे नहीं की है, इनफैक्ट प्रोमो में सबके ग्लिम्स भी क्लियरली नहीं दिखे हैं, तो कुछ लोगों का आइडिया आया है, कुछ लोगों का नहीं, तो थोड़ी झलक में थोड़ा बहुत समझ आया है, तो बस अब वही लेके जाना है। कौन से मुझे लगता है पलक, जिया और आकांक्षा काफ़ी स्ट्रांग है और वो लोग they are aiming to win, just like I am aiming to win. And I believe there are people who can cross any line to win. Yes. So, वो है। हाँ, मुझे अपने आप पे पूरा काम करना है और हर एक सेकंड यूटिलाइज करना है। आप ही में से उभरी हुई हूँ मैं और आपकी ग्राउंड रियलिटी जीती हूँ, तो आई वुड रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू हेल्प मी ड्वेल, हेल्प मी ग्रो, और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए एंड आई एम गोना रॉक और आपको फुल ऑन एंटरटेन करने वाली हूँ, फुल ऑन एंटरटेन।